नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मेरा सी कश्मीर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे आपका खैर मकदम है। जैसे कि आपको मालूम है, इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के जरिए से हम मल्टी टैलेंटेड यूथ के साथ बातचीत करते हैं। आज हमारे सामने एक खास मेहमान आए हैं इस प्रोग्राम में, जिनका नाम है मोहम्मद अरीब, जिन्होंने नात खानी में बहुत नाम कमाया है कम उम्र में। उस साथ साथ उन्होंने अमा पारा भी हफिज किया है, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे वो डिबेट्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। आइए करते आज उनके साथ बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अरीब, सबसे पहले आप बताइए कि आपकी एम और हॉबी क्या है? हॉबी मुझे खेलना अच्छा लगता है, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन, चेस। किस क्लास में आप पढ़ते हैं? सेवेंथ। आप कहाँ से हो? चौदह बजे कनी कटर है, यहाँ पर वहीं पर रहते हैं। अगर हम बात करेंगे, आपने नात खानी में बहुत नाम कमाया, बहुत सारे कॉम्पिटिशन में आपने पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करेंगे, अमा पारा भी आपने हासिल किया है, उसके साथ 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 आपने डिबेट्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया है, कहाँ कहाँ पर आज तक आपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और किन किन एक्टिविटीज में? मैंने पहले जो एक्टिविटी में किया था वो था स्पेल भी, जो मेरे पहले स्कूल था यूनाइटेड इंटरनेशनल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल। उसके बाद मेरा शौक था और मेरे माँ बाप का शौक था कि मैं एक नात खान बनूं। तो जो मैंने पहली जो नात पढ़ी थी वो पढ़ी थी मैंने अपने स्कूल में। फिर जो मुझे जो मोटिवेशन दी गई थी वो अपने मौलाना जावेद मौलाना, उन्हें वो हवल में मुझे नात पढ़ाई थी, मतलब पूरे एक मजलिस में जिसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो जैसे यहाँ पर शहनशाह पैलेस में पढ़ाई थी नात, और यहाँ पर मिलाद स्कूल में वहाँ पर पढ़ाई थी नात। आपके हाथ में ये मैगजीन है, आप दिखाए कि आपने जो बहुत से जगहों पे अपने पार्टिसिपेट दिखाई। ये एक इजहार यूसुफ मैगजीन है जो उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट से दिया गया था। तब जब मैंने अपने जो नात जब मैंने नात पढ़ी थी जिसमें मुझे ना सीरत में उसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन आई थी, आप भी देख सकते हैं। अच्छा, मैगजीन पे आपको कुछ फोटोज प्रिंट हुए हैं। हाँ। आप ये कैमरे की तरफ इसको दिखाए, आपका जो फोटो विद ग्रुप के साथ यहाँ पर वो पब्लिश हुआ है। इन्हीं मैगजीन्स में चढ़ा है मेरा फोटोज, और वो उन जो जो मैंने नात पढ़ी थी हवन में जो मजलिस में पढ़ी थी वहाँ पर भी मेरा फोटो छपा था। अच्छा, नात के साथ साथ आप डिबेट्स में भी आप पार्टिसिपेट करते रहे, हम पारा भी आपने हासिल किया है, कोई सूरा आप सुनाए, छोटा वाला, ज्यादा बड़ा नहीं, हमारी नाज़रीन को आप सुनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़्रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة كلا لا تطعه واسجد واقترب। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आप हमारे नाज़रीन को कोई कश्मीरी नाच शरीफ पढ़े, दो तीन मिनट। काहे नातुक माहताबान रहमतल्लालमीन, जान को ताजान जानान रहमतल्लालमीन, यसुन के छीनान आसान तसोला तंतूर पर, यसुन के छीनान आसान तसोला तंतूर पर, जिसमें गारस मान
छिबावान रहमत लिल्लालमीन। सुनिगारस माछ बाबान रहमत लिल्लालमीन। बहुत को माशाल्लाह कितनी मीठी आवाज में उन्होंने नाज शरीफ पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आया होगा। आखिर पर आप क्या पैगाम देना चाहते हो जो चाहते हैं इस फील्ड में अपना नाम कमाना, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि नाम आप ऐसे नहीं कमा सकते, इसके लिए आपको ऐसी चीजों से गुजरना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसी का सपोर्ट होना चाहिए। जैसे मेरे माँ बाप थे, उन्होंने मुझे भी बहुत सपोर्ट किया, टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला आप कर सकते हो, तो मैं जी भी मुझे भी अंदर से चाहती कि मैं भी एक नाथ खवान बन सकूं। नाजरीन ये थे मोहम्मद अली जिनके साथ आज हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा। दीजिए अगले प्रोग्राम तक इजाजत। अल्लाह हाफिज़।